इंसान है, इंसानियत पहले है, मदर बाद में, इंसानियत क्यों बिगड़नी चाहिए? दुनिया में किसी से भी रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत। सम्यक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात है, कई सालों से बहुत ख़राब है। तो ये ताल्लुकात अच्छी करने की कोशिश हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसलिए हम श्रीलंका में एक पाकिस्तान से मिलकर उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। जय भारत और जय पाकिस्तान देश। हम लोग यहाँ पर श्रीलंका में है, कोलंबो में है, गाले बीच पर है, और हम लोग घूम रहे थे तो हमारी मुलाकात तो इन साहब से हुए जो पाकिस्तान से मित्र भी बन गए। देखिए हम लोग इमीडिएटली तो ये जो हमारे मित्र हैं इनके साथ मुलाकात हो गई जो पाकिस्तान से है, और मैं इंडिया से। तो हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो रिश्ता है वो काफ़ी सालों से बहुत ही ख़राब है, और इसमें जो ये जो रिश्ता है वो बिगाड़ने की कोशिश सियासत की ओर से ज़्यादा होती है। तो हमारे साथ ये जो मित्र है इनके साथ बात करने वाले कि सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है आप, और यहाँ पर किस लिए आए, और इंडिया पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है? सारे सवाल आप एक ही सांस से पूछ लोगे भाई। नजदीक मेरा नाम शकील है, बजे कराची से हूँ मैं, और मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ एग्जीबिशन पर। दुनिया के तमाम यहाँ भी एग्जीबिशन की शुरू करना है। पहले में मेरी एग्जीबिशन है कोलंबो शो के लिए, इसी के लिए आया हूँ इवेंट के लिए। तो दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर क्या बोल रहे हैं? आपको पता है जो आपके 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ अवाम है और हमारी 22 करोड़ अवाम है, सबको नहीं खराब है। गिनती के चंद लोग खराब हैं जो शिद्दत पसंद है, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, उस बात के पैसे भी लेते हैं वो हमारे वजह आपके। मुझे याद है भी आपके यहाँ 1.5-2 साल पहले जो दिल्ली फतादात थे मुसलमान थे, उसमें 3 या 4 हिंदू मारे गए जो मुसलमानों को बचा रहे थे। ऐसे भी लोग हैं, सारे हिंदू तो नहीं खराब, ना सारे मुसलमान खराब हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं जिसके एवज उनको बहुत सारे मफादात हैं उनके। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं आप बताएँ? इसका हल तो एक ही है कि ख़त्म बर्दाश्त की जो है वो ख़त्म किया जाए, बर्दाश्त की ताकत पैदा की जाए, और बाकी गवर्नमेंट के काम है, आवाम तो एक ही है, आवाम का क्या हज़ारों साल के अलग हो गए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते ज़्यादा ख़त्म होने की वजह रिलीजन है या क्या मतलब? नहीं, रिलीजन और ना रिलीजन है ना कोई असली बात है, ना कोई लसानियत की ज़ुबान की बात है। कुछ लोग इसको हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, हर जगह वो लोग ख़राब कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी पूरी ख़राब है, सारे इंडियन पूरी ख़राब है, कुछ लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये रिश्ते और बिगड़ने चाहिए या अच्छे होने बिगड़ने चाहिए? इंसान है, इंसानियत पहले है, मदर बाद में, इंसानियत क्यों बिगड़नी चाहिए? दुनिया में किसी से भी रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए, क्यों बिगड़ेगा हमारा? अब बाकी गवर्नमेंट को बहुत भी चाहिए कि मसले को खत्म करें, स्कूल पर खान कर, कश्मीर का मसला 74-75 साल से उसको बैठ के दोनों पार्टियाँ हल कर लें, जैसा भी है तेलंगाना में या फसादात में। बाकी मेरे ख्याल से तो सवाए टेबल टॉक तो और कोई भी हल, जंग तो हल ही नहीं था। जंग में तो नुकसान है आपका भी, हमारा भी, बहुत हेवी नुकसान है। तो साहब ने कहा कि ये जो आपसी जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसका मसला तो डायलॉग है, आपस में बातचीत में चर्चा से यह मसला हल हो सकता है, ना कि वार से, ना कि आपसी झगड़ों से। तो बहुत ही अच्छा कहा, मेरे भी दिमाग में वही चल रहा था कि ऐसे ही डायलॉग बने रहे, आपस में रिश्ता बढ़ता रहे, और जो हिंदू मुसलमान का जो भी जो फसाद है वो अपने अपने घरों में रखे, और हम लोग जब साथ में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इंसान होते हैं। जैसा मैं यहाँ पर कोलंबो में श्रीलंका में कहना चाहता हूँ, धन्यवाद आपने ये रिश्ता इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ये मैं आपकी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय भारत।